हेलो माय लवली फूडीज़, वेलकम बैक टू हैप्पी कुक बेक चैनल। मैं हूँ प्रियंका चौरसिया और आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ओट्स एंड मूंग दाल के अप्पे। ये इंस्टेंटली बन जाते हैं और इसे आप सुबह नाश्ते के लिए खा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं इसे बनाना। यहाँ हमने एक कप ओट्स और एक कप भिगाई हुई मूंग दाल ली है। पहले हम मिक्सर के बर्तन में एक कप ओट्स को डालेंगे और इसे हम एक से दो मिनट के लिए मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह दिखता है पीसने के बाद। अब इसमें हम भिगाई हुई मूंग दाल डालेंगे। इसे आप रात भर भी भिगा सकते हैं या फिर 3-4 घंटे में ये भीग जाती है। और दो हरी मिर्च डालेंगे इसमें तोड़कर। 7 से 8 करी पत्ते डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, बस इसे इस तरह पीस लेना है। देखिए, आप देख सकते हैं ये दरदरा पीस लिया है हमने। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे हम फेंट लेंगे 2 मिनट के लिए। इससे अपने अप्पे जो है वो और फ्लफी बनेंगे। तो 2 मिनट इसे फेंट लें और फिर हम इसमें डालेंगे, ये दूधी है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, करीबन आधी दूधी थी। इससे भी अच्छा टेक्सचर आता है अप्पे में और ये भी बहुत ही हेल्दी है, तो इसे भी आप ज़रूर डालें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पीसा हुआ ओट्स और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। इससे मिक्स नहीं हो रहा है तो आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक को भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें करी पत्ते का पाउडर डालेंगे जो हमने बनाया था। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूंगी। इसके वजह से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस 1 चम्मच ही डालें। आपके पास ना हो और आप इसे बनाना चाहते हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो, बट इसे डालने से और अच्छा टेस्ट आता है, तो आप स्किप ना करें। करी पत्ते का पाउडर भी डालें। इसमें मैंने थोड़ा 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डाल दिया है और उसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने डाला है 3/4 चम्मच बेकिंग सोडा और ये 1 चम्मच नींबू का रस है। इसे हम डालकर मिक्स कर लेते हैं एक ही डायरेक्शन में। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है हमने इसे। आइए अब इसके लिए हम तड़का तैयार करते हैं। तड़का पैन मैंने गैस पे चढ़ाया है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म हो जाने दें। इसमें 1 चम्मच सरसों डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच चने की दाल डालेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। मिक्स कर दें इसे। 1 मिनट पकने के बाद इसमें हम 1 चम्मच तिल डालेंगे। तिल पहले ही ना डालें वरना ये जल जाएगा। देखिए, 1 चम्मच तिल डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर देते हैं। तिल डालने के बाद 10 सेकेंड तक पकाएं और इसे हम उस मिश्रण में डाल देंगे तड़के को और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब हमने अप्पे पैन चढ़ाया है गैस पे। अब हर एक अप्पे के साँचे में हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। अप्पे बैटर को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है जो हमने तड़का डाला था उसके साथ। अब इसे हम 1-1 बड़ा चम्मच इस अप्पे साँचे में भर देंगे। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। इसे ज़्यादा पतला भी ना करें वरना ये अच्छे से पकेंगे नहीं और ज़्यादा वक्त लग जाएगा इन्हें पकने के लिए। तो इसी प्रकार हमने सारे अप्पे भर दिए हैं बैटर से। अब इसे हम ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इन्हें पलट देंगे। आप देख सकते हैं ये कैसे फूले हैं। हर एक अप्पे को हम पलट देंगे और इसके ऊपर 1-1 बूंद तेल और डाल देंगे और इसे फिर से ढक देंगे और 3 मिनट पका लेंगे। तो 3 मिनट बाद ये इस तरह पक जाते हैं। जब तक ऐसा कलर ना आए तब तक आप इसे पका लें। देखिए,
बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ये, और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें सारा हेल्दी चीज़ पड़ा है, जैसे कि दूधी है, ओट्स है और मूंग दाल है। आइए इसे एक तोड़कर देखते हैं अंदर तक पका है या नहीं। देखिए कितने अच्छी तरह हमारे अप्पे पक चुके हैं और ये बहुत फ्लफी और टेस्टी हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है, बस मूंग दाल भिगाने की ज़रूरत है और ये तुरंत रेडी हो जाते हैं। जो लोग डाइट पे हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी इसे खा सकते हैं। बिना रवे और दही के भी अप्पे बन सकते हैं, आपने आज देख लिया, तो इसे आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये आपको कैसी लगी। रेसिपी आसान और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।